हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा स्वागत करता हूँ आपका सिविल हाउस डिजाइन में। इस वीडियो में बात करेंगे 30 फीट बाय 40 फीट के प्लॉट पर नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान। अगर आपको किस साइज के प्लॉट पर हाउस प्लान डिज़ाइन कराना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये प्लान आकर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस प्लान को देखते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट में आएंगे तो ये मेन डोर दिया गया है यहाँ से, इस कॉर्नर से। यहाँ से एंटर करते तो आता है ये स्टेयर्स। इसके नीचे बाइक पार्किंग की भी स्पेस मिल जाएगा। इसका साइज 8 फीट बाय 11 फीट दिया गया, जो कि यहाँ से स्टेयर स्टार्ट होता है और यहाँ से ऊपर की ओर आएगा, और फ्रंट में यहाँ पर लैंडिंग आएगी, फिर यहाँ से नेक्स्ट फ्लाइट स्टार्ट होगा और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। तो इस तरह से स्टेयर हो जाता है। यहाँ से हम आगे चले राइट साइड में तो ये ड्राॅइंग रूम दिया गया है, जिसका साइज़ है 15 फीट बाय 11 फीट। ये ड्राॅइंग रूम हो जाता है। इसमें वेंटिलेशन के लिए इस वॉल पर एक विंडो आ जाएगा। इसके बाद हम आगे चलें तो इस ड्राॅइंग रूम के साथ अटैच यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, जिसका साइज 4 फीट 10 इंच बाय 10 फीट रखा गया है। इसमें वेंटिलेशन के लिए एक यहाँ पर विंडो आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं ड्राइंग रूम से आगे चलें तो यहाँ लिविंग रूम में एंट्री के लिए यहाँ पर ओपन रखा गया है, यहाँ पर आर्च दिया जाएगा। आगे हम चलें तो ये लिविंग रूम दिया गया है, जिसका साइज है 15 फीट बाय 12 फीट 4 इंच, जिसको हम डाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड में चलें तो यहाँ पर किचन दिया गया है, जिसका साइज है 8 फीट बाय 8 फीट का। इसमें वेंटिलेशन के लिए इस वॉल पर एक विंडो आ जाएगा और यहाँ पर आर्च आ जाएगा, या फिर यहाँ पर डोर भी दे सकते हैं। इसमें यहाँ पर कॉर्नर पर ये स्लैब आ जाएगा, किचन स्लैब। आगे हम बात करते हैं इसके राइट साइड में चलें तो यहाँ पर कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, जो कि फैमिली के लिए है। इसका साइज़ है 4 फीट 10 इंच बाय 10 फीट। इसमें वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो आ जाएगा, तो ये कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम हो जाता है। इसके बाद हम आगे चलें तो यहाँ पर डोर भी दिया गया है, जिसकी चौड़ाई 4 फीट 6 इंच दी गई है। इसकी चौड़ाई जाती है, यहाँ से हम बाहर की ओर जा सकते हैं। ये जो प्लॉट है 30 फीट बाय 40 फीट का, जो कि वेस्ट डायरेक्शन से भी खुला हुआ है ये, तो इसलिए यहाँ पर डोर दिया गया है। इसके बाद हम आगे देखें तो इस लिविंग के सामने यहाँ पर बेडरूम दिया गया है। ये फर्स्ट बेडरूम जाता है, सेकंड बेडरूम। इस बेडरूम के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एंट्रेंस यहाँ से है। इसका साइज जाता है 15 फीट 2 इंच बाय 13 फीट। इसमें वेंटिलेशन के लिए इस वॉल पर एक विंडो आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड बेडरूम की बात करते हैं तो ये है सेकंड बेडरूम, जिसका एंट्रेंस यहाँ से दिया गया है। इसका साइज है 13 फीट बाय 14 फीट 6 इंच। इसमें वेंटिलेशन के लिए एक डोर के साथ अटैच यहाँ पर विंडो आ जाएगा, और साथ ही डोर के ऊपर भी एक वेंटिलेशन दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा पूजा रूम के लिए एक एरिया रखा गया है, जो कि जिसका साइज है 4 फीट बाय 7 फीट। ये एरिया पूजा रूम के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको क्लोज करके यहाँ पर स्टोर रूम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लान दिया हो जाता है 30 फीट बाय 40 फीट के प्लॉट पर नॉर्थ फेसिंग। इस प्लान के बारे में अपने फीडबैक को कमेंट कीजिए, और किस साइज के प्लॉट पर हाउस प्लान डिज़ाइन करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।